Hey guys, assalamu alaikum. This is me, Minish Naam, और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपके मनपसंद और चहेते मोहम्मद उमर अली। मोहम्मद उमर अली, जो लास्ट हमारे वीडियोस में थे वो उमर अली थे, और अभी हमारे साथ मोहम्मद उमर अली मौजूद हैं। जी मोहम्मद उमर अली, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और बताएं, और जो पड़ोस में पानी वानी का मसला था, हल हुआ? आपने करवाया? आखिर आप ऐसे लड़ाका है? बहुत ऐसा लग रहा है ये मुझसे लड़ जाएंगे। इससे पहले हम लोग कुछ ना कॉमेडी लगा देते हैं, इससे पहले ये मुझसे लड़े और मेरा लड़ाकापन यही खत्म हो जाए। अच्छा खैर, जब तक हम लोग हंसे नहीं और आप लोगों को हंसाए नहीं, तो हम लोगों को मज़ा नहीं आता। और आप लोगों ने इनकी हंसी शायद देखी नहीं होगी, और इनकी ये हंसते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ मुँह नहीं बना के रखते, हंसते भी। अच्छा, आज हम लोग देखने वाले हैं जाकिर खान कॉमेडी। तो खैर, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो में क्या है? एक दो टुच्चे जोक्स कर देता हूं मैं अप टॉप, ताकि अपना एक समन्वय सा बना रहे। पता चला मैं बता रहा हूँ होली की बात, तुम दिवाली सुनना चाह रहे थे। इजाजत है साहब, गणिजन लोग बैठे हैं यहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है साहब, तीन तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना, तीन तरह का कॉन्फिडेंस होता है। पहले नंबर का कॉन्फिडेंस होता है जिसके अंदर इंसान जो है वो गिटार खरीद लेता है और बोलता है मैं सिंगर बनूंगा। ठीक है ना, कोई सिंगर है यहाँ पे? भाई हाँ, क्या नाम है दोस्त आपका? हाँ साई। साई सिंगर मुझे इतने घटिया लगते हैं। एक तो ये लोग कूल बहुत है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं बात फैक्ट होना हो भाड़ में गया, मैं सिर्फ जलन की स्पेस से बात करना चाहता हूं। साफ बात, मुझे भयंकर जलन है। एक तो इनका टैलेंट बड़ा पोर्टेबल है, और यार बंदियों को बड़ा पसंद आता है गाता हुआ लड़का। हाँ यार, ये गिटार विटार बजाए तो उनको बड़ा मन लग जाता है कि ओह माय गॉड साइज सो कूल। कभी ना घर में आप, मान लो किसी के घर में हाउस पार्टी में आप गए, हाउस पार्टी में चार आदमी मिलते हैं, आप क्या चाहते हो कि आप साहब मन मुताबिक कहानियां सुनाओ? थोड़ी सी इंसान, दो लोग मिलेंगे बातें करें, ये होना चाहिए ना माहौल। बालकनी में मैं साहब अपना किस्सा अपन महफिल लगा के बैठे हैं साहब की। हमारी मौसी साहब एक दिन बस में जा रही थी, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो बस स्टॉप आया, ककड़ी वाला बेच रहा था ककड़ी, उन्होंने ककड़ी वाले से ककड़ी खरीदी, 20 रुपये का नोट दिया, उसने 10 रुपये की ककड़ी दी, 10 रुपये वापस नहीं दिए। बस चलने लगी, हमारी मौसी ने ककड़ी वाला ही पकड़ लिया। ककड़ी वाला 10 रुपये ना दे, मेरी मौसी ककड़ी वाले को ना छोड़े। आप देख रहे हो कितनी मुश्किल सिचुएशन है, मौसी आधी बस के बाहर है, बस चलने लग गई, और ककड़ी वाला भी साथ में। अब इतने में कंडक्टर आ गया, कह रहा है एक्स्ट्रा किराया लगेगा उसका भी, आपने एक पैसेंजर और बिठा लिया। इस मार्मिक कहानी के बीच में अचानक से एक दीदी आएंगी, कह रही गाइस कम इनसाइड, साई इज सिंगिंग। आपको लग रहा है साई सिंगिंग कर रहा है, जरा जाके देख, ठीक है देख लेते, कोई बात नहीं, हमारी मौसी की जान खतरे में, फिर भी हम साई की सिंगिंग सुनने जा रहे हैं अंदर। साई अंदर गाने को तैयार नहीं, साई वहां पे नखरे पाद रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हैं? मेरा गला खराब। मैं एक सिंगर से मिलना चाहता हूं जिसका गला ठीक चल रहा, ये लोग बीमार ही रहते पूरे टाइम। मेरा गला, माय थ्रोट इज नॉट वर्किंग। अरे गादेव चुपचाप, तू ही गाएगा 5 मिनट, मेरे को पता है, मैं बहुत एक्सपीरियंस है इस बात का, तू गाएगा अभी, तू 10 मिनट में तू ही गाएगा। मैंने देखा थोड़ी देर बाद पूछ रहा गिटार होगा यहाँ पे, ये तुमको क्या लग रहा शंकर एहसान लॉय का स्टूडियो है ये? हम लोग विशाल ददलानी है। ठीक है साहब, एक धूल में भरी हुई सी गिटार आई है, ठीक है गिटार के, ये गिटार चलेगी साई तुमको? साई अपना ट्यून कर रहे हैं, टंग डंग टुंग डुंग, ओ फिर ये तो ट्यून नहीं है। हाँ क्योंकि एआरएम का स्टूडियो भी तो नहीं है, घर में कुछ मिल गया उसके साथ काम चला ले यार। गिटार हाथ में लेते ही इसके अंदर जॉन मेयर की आत्मा आ जाती, ये बंदा कैलिफोर्निया पहुंच गया है, ये है ही नहीं, जबकि है गाजियाबाद का। इसमें एक्सेंट आ गया भाई, एक्सेंट आ गया इसमें, ये जो सारी जिंदगी जिसने पार्क को पार्क कहा है, वो कहा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इट्स अ सूफी ट्रैक। मैं सूफी ट्रैक हो गया क्या? इट्स अ सूफी ट्रैक, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, इट्स फ्रॉम अ बॉलीवुड मूवी, आई एम जस्ट
गुंज सा है कोई इकतो क्या गुंज सा है कोई इकतर गूंज गया क्या गुलाबिया के मैं का चीखना चिल्लाना नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं तो हाँ तो पहले नंबर कॉन्फिडेंस वो होता है जिसके अंदर इंसान जो है ना गिटार खेल लेता है सोच के कि मैं सिंगर बनूंगा है ना। दूसरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है वो होता है जिसके अंदर इंसान जो है बाप की दुकान बेच के अपना स्टार्टअप चालू करता है उसमें बाप की दुकान भी बिक जाती है फिर स्टार्टअप भी बंद हो जाता है खानदान पूरा नौकरी करता है। तीसरे नंबर का कॉन्फिडेंस होता है साहब जो कि मेरे को लगता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुम लोग को ठीक है मैंने बोलता हूँ टुच्चे जोक्स करूंगा ज्यादा ग्रोस आउट नहीं होने का ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट लोग वो लोग होते हैं जिनके साथ आप मान लो किसी मॉल वॉल में आप बैठे हो फूड कोर्ट वगैरह में बैठ के बात बात कर रहे हो आमने सामने काम की बात चल रही है कि कुछ यू नो यू डिस्कसिंग अबाउट वर्क एंड स्टफ ऑन और चलती मीटिंग में फुल पब्लिक प्लेस पे वो लोग आपसे आई कॉन्टैक्ट करते हुए होते सोते नाक में उंगली करने लग जाए मुझे लगता है इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई आदमी हो सकता है। आप ही ऑकवर्ड हो रहे हो कि वो नहीं तोड़ रहा है कॉन्टैक्ट आप इधर तो देख रहे हो कि डेटा क्या है यार AI इज डेटा ओनली वो तो डेटा ही AI तो डेटा ही है ना वो डेटा नहीं है तो क्या है मतलब वो सब उसी को डेटा रीडिंग को मशीन लर्निंग बता रहे हैं है ना ये लगे हुए अपना भाई डिग डीप तो करना पड़ता है डेटा में अरे यार अच्छा कॉमेडी का ना अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है जब मुझे मजा आने लग रहा है ना तो ये एंड हो गई है। अच्छा आप बताएं कभी आप किसी ऐसे सिंगर विंगर से मिले हो गैदरिंग में होता है ना एक लाजमी आपके ना सिंगर निकलता ही निकलता है या तो बाथरूम सिंगर होता है या तो उसे सिंगिंग का इतना शौक होता है कि कहीं बैठ के भी उसे लगता है कि मैं सिंगर हूँ। आपकी गैदरिंग में ऐसा कोई है जो बोलता हो कि हाँ यार सब गैदरिंग बैठी है तो वही जी मैं सिंगिंग करूंगा बाथरूम में तो कोई भी गाएगा उसकी उससे भी नहीं नहीं मैं आपका नहीं पूछ रही उसको अपनी आवाज अच्छी ही लगेगी नहीं आपकी गैदरिंग में ऐसा कोई है जैसे होता है ना मतलब 3-4-5 दोस्त यार बैठे हुए हैं दोस्त यार है जिनकी आवाज अच्छी है मतलब कहते हैं हम सिंगर हैं लेकिन अब लिटरली ऐसा होता होगा कि जब उनसे बोलते होंगे ना यार गाना सुना दे यार गला सही नहीं है आज मेरा नहीं जैसे मेरे भाई की आवाज बड़े भाई है उनकी आवाज वाकई में बहुत अच्छी है तो वो गाने सुनाने में नखरे वखरे करते हैं वैसे करते तो माहौल होता है माहौल पे डिपेंड करता है मैं कहती हूँ जितना भी अच्छा माहौल हो ये मेरी भी मतलब मैं गारंटी दे रही हूँ कि जब भी कोई भी गैदरिंग बैठी हो ना कोई फंक्शन हो ओकेजन हो जहाँ चार लोग बैठ जाएं और कहा जाए ना यार तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है यार वो एक गाना सुना दो तो वो पहली बार में सुना देना या मैं लिख कर दे दूं ऐसा हो नहीं सकता नहीं सुना देते जिनको शौक होता है सुना देते नहीं भाई मैंने शौक वाले बंदे ऐसे देखे हैं पहली बार में कभी नहीं सुनाएंगे हमेशा कुछ ना कुछ यार अभी मतलब मूड थोड़ा ऐसा थोड़ा सा वो अपना दिखाएंगे बाकी में मतलब आपके लिए दिखाते हैं या सुना देते हैं सुना देते अब मतलब भाई है ना उन्हें भी तो देखना होगा ना अब कुछ तो करना उसके बाद घर भी तो जाना है ना भाई अंदर भी तो सोना है ना घर जाके अच्छा कभी आपका दूसरा वाला सीन हुआ कोई आपसे बात करो और आपने अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी से बात कर रहे हो और कोई लगा हुआ है कोई मसला नहीं है कोई भी है बता दे कोई मसला नहीं है नहीं बसों में बहुत देखा हुआ है ना आपके साथ ऐसा मेरे साथ नहीं आप ने पूछा अरे आपने देखा है ना देखा है हाँ तो देखो मतलब देख के आपने नजर हटा ली लेकिन वो अपना लगा पड़ा है आपको देखते हुए देखता रहे वो खुद ही नजर हटाएगा कर मतलब आपने तो एंड तक देखा है आपने कहा ये नजर नहीं हटा रहा मैं भी नहीं हटाऊंगा देखूंगा ये लास्ट होता क्या है सब निकलने के बाद ये लोग करते हैं क्या फारिक बंदे होते हैं ना वो कर रहे होते हैं असल में मैंने तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी देख लिया जो कुछ देखा है जो कुछ फारिक मैंने देखने अरे देखने वाले फारिक या करने वाले फारिक ये बताया ना
मतलब मैं तो चले हुई फारिग, ये भी फारिग है, उन्होंने बसों में देख लिया, मतलब हम सब फारिग है यहाँ पर, जो कर रहे हैं वो भी फारिग है, ये भी फारिग है, आप भी फारिग, वो भी फारिग। यार आज लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरा बहुत हंसने का मूड था, लेकिन ना ये मतलब लड़ाई ना लड़के रहेगा ये बंदा, उसमें मुझे ऐसा लगा। लड़ाई की क्या बात है, आपने पूछा जो मैंने उसका जवाब दिया है। चल खैर, अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई उसके लिए सॉरी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको, पता है आप क्योंकि किसी से डरती नहीं है, आप लड़ाका हैं, है ना, ऐसे ही है ना। यार मुझे लग रहा है मेरे एक फैन ना ये भी है, ये भी मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं जैसे आप लोग जानते। खैर भाई बहुत मजा आया आपके साथ, और वीडियो देखने में बहुत मजा आया, और जो जो मैं वीडियो देखती हूँ ना वो मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ना मैं इमेजिनेशन में चली जाती हूँ, मुझे इमेजिन होने लगता है, और वाकई जो हम लोग ये वीडियो देखते हैं ना वैसा हो रहा होता है, ये आपके साथ या मेरे साथ हुआ होता है। तो खैर बड़ा मजा आया हंसने हंसाने में, और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ज्यादा हंस रहे होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।